प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीयों के भारतीय सैनिकों के स्मारक की हैं। लिली शहर है फ्रांस का ये, जहां पर ये स्मारक है। 10,000 भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में यहां पर शहीद हुए थे और उन लोगों को, इन भारतीयों को, इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर। कल 20 अहम समझौते नरेंद्र मोदी कर चुके हैं और आज वो भारतीयों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जो समझौते किए हैं और उनमें जो सबसे अहम है वो 36 रफाल फाइटर जेट की डील इसमें शामिल है। काफी व्यस्त कार्यक्रम मोदी का। लिली की ये वो महत्वपूर्ण जगह है भारतीयों के लिए, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण क्योंकि ये वो स्मारक है। प्रथम विश्व युद्ध में 10,000 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जिन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पेरिस से 250 किलोमीटर दूर है लिली और प्रथम विश्व युद्ध के शहीदों का स्मारक है ये। भारतीय सैनिक भी शहीद हुए थे प्रथम विश्व युद्ध में, 10,000 के लगभग भारतीय सैनिकों की तादाद थी। पुष्प अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और यहां से यानी कि लिली से इस शहीद स्मारक के बाद पेरिस आकर भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने का कार्यक्रम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। रेलवे, स्पेस रिसर्च, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान टेक्नोलॉजी, मरीन टेक्नोलॉजी, तमाम क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझौते किए हैं। भारत में 2 अरब यूरो का निवेश फ्रांस करेगा और 36 रफाल फाइटर जेट खरीदने की बात सबसे महत्वपूर्ण समझौता। जैतापुर में 6 परमाणु संयंत्र लगाने पर भी समझौता हुआ है। फ्रांस की कंपनी 10,000 मेगावाट क्षमता के यहाँ पर यानी कि जैतापुर में प्लांट लगाएगी। नागपुर, पुडुचेरी समेत भारत के 3 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में भी फ्रांस मदद करेगा। लेकिन ये तस्वीरें शहीद स्मारक की तस्वीरें हैं। प्रथम विश्व युद्ध और उस दौरान भारतीयों की शहादत, भारतीय सैनिक शहीद हुए थे जिन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। समझ, हम चर्चा लखवी पर जरूर करेंगे लेकिन ये एक महत्वपूर्ण दौरा इस लिहाज से कि फ्रांस से हमारे 20 अहम समझौते हो चुके हैं। आप अपनी सरकार के लिए इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, उससे ज़्यादा हमारे देश के लिए? नहीं देखिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण दौरा है, 3 देशों का दौरा, फ्रांस, जर्मनी और उसके पश्चात कनाडा का दौरा। अब देखिए ये यूरोप के इम्पोर्टेंट पावर्स में गिने जाते हैं, इन्हें मिडिल पावर्स कहा जाता है। एक सेकंड आपको रोकना चाहेंगे। जी सर जी, ये एक छोटा सा सम्मान था। देखिए जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने भी सम्मान दिया है और श्रद्धांजलि व्यक्त की है, वहाँ 10,000 उन भारतीय सैनिकों का जिन्होंने फ्रांस के साथ लड़ते हुए अपने जीवन को गवाया था वर्ल्ड वॉर 1 में, हम भी आज अपने सर को झुका के इस सम्मान को दें क्योंकि बहुत बड़ा एक अरसा रहा है। और जिस प्रकार आप देखिए खुद प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, एक बहुत बड़ा संदेश जाता है उन तमाम भारतीयों के लिए और देश के लिए। ये 3 देशों का दौरा है, एनर्जी सेक्टर को ले लीजिए, न्यूक्लियर सेक्टर को ले लीजिए और स्पेशली डिफेंस सेक्टर।
समित जी, दोनों देश ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर भी अपनी सहमति जताई और लखवी की रिहाई पर भी पाकिस्तान को सचेत होने को कहा है और ये इसे गलत बताया है। इसे हम एक दबाव बनाने के तौर पर किस तरह से देख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही है अभी हाल फिलहाल के दौरों में, आपको ध्यान होगा जब जॉइंट स्टेटमेंट सिग्नेचर किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स में, तो पहली बार हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच जॉइंट स्टेटमेंट था, उसमें दाऊद इब्राहिम और आतंकवाद को लेकर भी सिग्नेचर किया गया था कि उन्हें लाया जाएगा। आज भी जब लखवी को रिलीज किया गया है तो जिस प्रकार से होलांद की तरफ से भी, फ्रांस के प्रेसिडेंट की तरफ से भी ये पूरा विषय आया है कि ये बहुत ही खराब हुआ है, और साथ में यूएस ने भी कहा है, इसराइल ने भी कहा है, ये बहुत बड़ा समर्थन हिंदुस्तान के लिए है और एक तरह से हमें एक ग्लोबल पावर के रूप में एज एन इक्वल एस्टैब्लिश। अच्छा, फ्रांस ने तुरंत संबित जी, लेकिन हम चर्चा पर लौट आते हैं, हालांकि आपने जिक्र इस बात का कर दिया है। जनरल बख्शी, आप बहुत देर से कुछ पूछना चाह रहे थे पीरजादा साहब से, लेकिन पीरजादा साहब, जनरल बख्शी आपसे कुछ पूछें उससे पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि आप जो दुहाई दे रहे थे अपनी अदालतों की, तो दिसंबर में रिहा किया जाता है लखवी को, उसके बाद नज़रबंद कर लिया जाता है और फिर से रिहा कर दिया जाता है, तो ये आपकी अदालतें हैं। जनरल बख्शी कहिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ साहब कि ये जो हत्याकांड था 26/11 का, ना सिर्फ भारतवर्ष ने, पूरी दुनिया में ये तमाशा देखा है जिसमें कि 166 बेकसूर नागरिक मारे गए और ये सब का सब टेलीवाइज हुआ था। पाकिस्तान का एक नागरिक अजमल अमीर कासब रंगे हाथों पकड़ा गया, गिरफ्त में आया, उसने अपने बयान में कबूल किया है मैजिस्ट्रेट के सामने कि जकीउर रहमान लखवी उसका रहनुमा था, उसने उसको रिक्रूट किया, ऑपरेशनली गाइड किया, हथियार दिए और उसको यहां भेजा। यही नहीं, हमारे पास कोई 72-74 घंटों के टेप हैं जिसमें पाकिस्तान का जकीउर रहमान लखवी, पाकिस्तान की आईएसआई का एक कर्नल और एक मेजर लगातार सैटेलाइट फोन पे इनके साथ जुड़े हुए थे, ये जो आतंकवादी जो मुंबई में आए, और वो उनको मिनट बाय मिनट डायरेक्शन दे रहे थे। ये टेप पाकिस्तान को दिए गए हैं। उन्होंने वॉइस सैंपल अभी तक क्यों नहीं भेजे हैं हमको? क्योंकि कोई मंशा नहीं है पाकिस्तान की कोई एक्शन लेने की टेररिस्ट के खिलाफ। उनकी आईएसआई खुद, उनकी सरकार खुद इसके लिए जिम्मेवार है। जनरल बख्शी की बात का जवाब दीजिए, और हम आपको उससे पहले यह भी बता दें जी, मैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी पीरजादा साहब ये कहा है कि ये लखवी की जो रिहाई है वो काफी चौंकाने वाली है। जगन ने अपराध बताया है इसे और चौंकाने वाली रिहाई है। बता देता हूं, यह हमने भी कहा, फ्रांस ने कहा, उनके राष्ट्रपति ने कहा। जी, एक बात बड़े अफसोस की है कि अगर आप फ्रांस का नाम लें या अमेरिका का, चलो मुझे समझ आता है, आप एक इसराइल जैसी दहशतगर्द रियासत का हवाला देकर के उसने आपकी हिमायत की है जो रोजाना फलस्तीनियों को कत्ल करता है, उसका तो नाम लेना भी शर्म का मकाम है। आतंकवादियों को पनाह देते हैं और दूसरे देशों को दहशतगर्द कहते हैं, ये कैसे भाषा आप बोल रहे हैं? एनालिस्ट पीरजादा साहब, आपके देश में आतंकवादी पल रहे हैं, आपके बच्चों को मार रहे हैं और आप दूसरों के ऊपर तोहमत कस रहे हैं। सुनिए अगली बात, मैं आ रहा हूं अगली बात की तरफ। कसाब तो पाकिस्तानी ही था ना पीरजादा साहब, वो तो आप ही के देश का था। मैं आपको जवाब देता हूं, भारत बेशुमार पाकिस्तानियों को भारत उसे क्या कहते हैं, उनकी इंटेलिजेंस पैसे देकर यहां पर इस्तेमाल करती है, दूसरे मुल्कों में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं मुल्कों के लोग इस्तेमाल हुआ करते हैं ज्यादातर। नहीं, अगर पीरजादा साहब वो बंदूक लेकर आते हैं, यहां हमला करते हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, वो यहां बम ब्लास्ट करते हैं। आपका मसला ये है कि आपने वो जो पीरजादा साहब को ये समझना पड़ेगा, देखिए अभी कुछ देर के लिए उनका ब्लैकआउट हो गया है, पाकिस्तान का भी ऐसे ही ब्लैकआउट हो जाएगा अगर वो सच्चाई के साथ नहीं चलेंगे तो। ये वो समझ नहीं रहे हैं कि अगर वो आतंकवाद का बार बार साथ देते रहेंगे तो पहले अपने ही घर को जलाना पड़ेगा, और ये पेशावर में हुआ है,
छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे गए, उसके बाद इन तमाम लोगों ने मिलकर कहा नहीं 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 साहब हम जो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और उसके बाद सरताज अजीज ने क्या कहा आपको ध्यान होगा, उन्होंने कहा देखिए उन जिहादियों को पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, उनके खिलाफ लड़ने की कोई जरूरत नहीं है जो हमारे देश के खिलाफ नहीं कर रहे। भी संबित पात्रा जी ये कहा था कि आप दबाव बनाने में कामयाब नहीं रह पाए। हम उससे पहले ये सवाल आपसे जरूर पूछते हैं, लेकिन जनरल बख्शी इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेमोरियल पर हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाले, और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आप इस पर। आप एक जनरल होने के नाते, एक फौजी होने के नाते हम चाहेंगे कि इसकी अहमियत पर आप कुछ कहें। देखिए साहब, प्रथम विश्व महायुद्ध में भारतीय सेना के 13 लाख जवानों ने हिस्सा लिया था, 13 लाख, 72,000 शहीद हुए थे, उनकी शहादत यहां इन दीवारों पे लिखी है जहां आज हमारे प्रधानमंत्री जी श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। 11 हमारे सैनिकों को विक्टोरिया क्रॉस यानी जो परमवीर चक्र के बराबर है उसे सम्मानित किया गया था, और ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि हमारे देश के राष्ट्रपति आज वहां अपना सर झुकाने गए हैं उन शहीदों की याद में जिन्होंने ना केवल अपने देश की सीमाओं की रक्षा करी लेकिन आगे बढ़कर पूरे विश्व में जो 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 सिद्धांत है फ्रीडम के, लिबर्टी के, फ्रेटर्निटी के, इक्वालिटी के, उनके लिए जाके लड़े वो लोग, और उन्होंने अपनी शहादत कितने कितने दूर दराज के देशों में दी, वो जर्मन सेनाओं से, तुर्की सेनाओं से उन्होंने टक्कर ली और उनको लोहे के चने चबा दिए, और उनका जो लोहा है पूरी दुनिया मानती है। आज फ्रांस भी, यूरोप के देश समस्त वो अपना सर झुका रहे हैं हमारे जवानों की बहादुरी, उनकी बेइंतहा बहादुरी और शहादत के सामने, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे प्रधानमंत्री गए हैं जबकि 100वां ये जो सालगिरह हो रही है और ये प्रथम विश्व महायुद्ध की, ये बहुत ही उपयुक्त समय है, वेरी वेरी राइट टाइम जिसमें कि प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं और हमारे जवानों को श्रद्धांजलि उस युद्ध स्तर पे जाके उन्होंने दी है। ये बहुत हमारे लिए इत्मीनान की बात है।